बरसात की पहली रिमझिम बारिश ने नगर निगम की पोल खोल कर रख दी है। नगर निगम के पदाधिकारी भले ही पानी पानी हो या नहीं हो, लेकिन शहर के कई मोहल्ले पानी पानी हो चुके हैं। आलम यह है कि बरसात में घर तो घर, वाहन से निकलना भी दूभर हो गया है। वैसे बतला दें कि छपरा शहर के गुदरी बाज़ार, काशी बाज़ार, भगवान बाज़ार, थाना रोड, ये ऐसे मोहल्ले हैं जहां अमूमन गर्मी के दिनों में भी सड़कों पर नाले का पानी बहता है। नगर निगम एक तरफ साफ सफाई का ढिंढोरा पीट रहा है तो दूसरी तरफ पहली बारिश में उसकी कलई खुल गई है। बतला दें कि लगातार तपस और उमस भरी गर्मी के कारण जहां खेतों में दरारें आने लगी थी, वहीं शहर के सड़कों पर धूल का गुबार उठ रहा था। ऐसी स्थिति में यह रिमझिम बारिश जमीन को सोखने के लिए काफ़ी कम था, लेकिन इस रिमझिम बारिश ने ही शहर की अनेक सड़कों को जलमग्न कर दिया और सड़कों पर एक से डेढ़ फुट तक पानी जमा हो गया। ऐसे में कई वाहन पानी में उतरने से भी कतरा रहे थे, क्योंकि कई मोहल्ले में ऐसे नाले हैं जिनका स्लैब आज भी हटा हुआ है और ना तो उसे स्लैब बनाया गया है और ना ही उसे बदला जा चुका है। ऐसी स्थिति में अनजान लोग बड़ी मुश्किल से थाह कर सड़क पर वाहन चला रहे थे। नगर निगम भले ही लाख दावे कर ले, लेकिन शहर से जल निकासी की समस्या विकट है, क्योंकि खनुआ नाला अभी भी पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त नहीं हो सका है। रिपोर्ट हलचल न्यूज 24 छपरा। ये गुदरी बाजार है, इतना पानी जल जमाव बारिश होने के बाद चारों तरफ यहाँ पानी लग जाता है, निकासी का कोई रास्ता ही नहीं है। नाला की सफाई समय से नहीं होता है। यहाँ रोड पे आए दिन पानी लगा रहता है, बारिश हो तो भी न हो तो भी हमेशा जो है पानी से रोड यहाँ जाम रहता है। क्या नाम हुआ आपका? सुनील कुमार गुप्ता।